गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट इन द ग्रामर, लेसन 7, टुडे टॉपिक सर्वनाम। कल की वीडियो में अपने सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में पढ़ा था। आज अपन सर्वनाम से संबंधित कुछ एक्सरसाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वनाम किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वनाम किसे कहते हैं। ओके, सर्वनाम किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण सहित लिखिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरनाम किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। देखो आंसर इसका, सरनाम किसे कहते हैं? सरनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सरनाम। ओके, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सरनाम। ओके, तो देखो इसका आंसर देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ओके, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखो इसका, उदाहरण सहित लिखिए। जैसे मोहन अच्छा लड़का है। मोहन अच्छा लड़का है वह विद्यालय जाता है। तो मोहन क्या हुआ? संज्ञा। और यहाँ भी अगर क्या है,
मोहन, यहाँ भी क्या आए मोहन, मोहन की जगह किसका प्रयोग कर दिया अपन ने, मोहन की जगह किसका प्रयोग कर दिया सर्वनाम का, मोहन की जगह किसके प्रयोग कर दिया सर्वनाम का, क्योंकि सेंटेंस ऐसे बनते जाए मोहन अच्छा लड़का है, मोहन विद्यालय जाता है, तो बार बार क्या हो रहा है शब्दों का क्या हो रहा है सर्वनाम, बार बार क्या हो रहा है शब्दों का रिपीट हो रहा है, तो सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से कैसे बन जाती है भाषा सुंदर और स्पष्ट। बार बार जैसे मौन शब्द आएगा तो बोलने में थोड़ा अजीब सा लगेगा ना, बार बार मेरा मन मौन विद्यालय जाता है, मौन अच्छा लड़का है, मौन विद्यालय से घर आता है, मौन खाना खाता है, तो बार बार रिपीट आएगा मौन, तो अजीब सा फील होता है ना, अजीब सा लगता है। तो सर्वनाम शब्द अपने मौन की जगह क्या कर दिया सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। सर्वनाम क्या है वह है, सर्वनाम क्या है वह है, तो वह का प्रयोग कर दिया ना, तो सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से कैसे बन जाती है भाषा सुंदर और स्पष्ट बन जाती है, क्योंकि सर्वनाम के प्रयोग से क्या होता है सर्वनाम के प्रयोग से संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग नहीं करना पड़ता है। कौन सा संज्ञा शब्द, जैसे मौन है, तो बार बार अपन को मौन का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। मौन की जगह किसका प्रयोग कर दिया अपन ने सर्वनाम का, सर्वनाम क्या है वह है, सर्वनाम क्या है वह है। ओके, फिर देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सेकंड क्वेश्चन है सर्वनाम, सेकंड क्वेश्चन है सर्वनाम के कितने, सर्वनाम के कितने भेद है, सर्वनाम के कितने भेद हैं। ओके, सभी के नाम लिखिए, सभी के नाम लिखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सर्वनाम के कितने भेद है, सभी के नाम लिखिए, मतलब सर्वनाम के कितने भेद है सभी के नाम लिखिए। सर्वनाम कितने भेद होते हैं सिक्स, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं सिक्स। अब देखो कौन कौन से होते हैं, सर्वनाम के सिक्स भेद होते हैं। ओके, अब देखो सर्वनाम के भेद देखो, आंसर देखो, सर्वनाम के, सर्वनाम के छह भेद है, कितने भेद है छह, सर्वनाम के छह भेद है। ओके, सर्वनाम कितने भेद है छह। अब देखो कौन कौन से हैं, फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला है पुरुषवाचक सर्वनाम, फर्स्ट वाला क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम, फर्स्ट वाला क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड वाला क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम, सेकंड वाला क्या है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, फर्स्ट वाला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, सेकंड वाला है निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, थर्ड वाला है, थर्ड वाला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड वाला है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर वाला है पर्सनवाचक सर्वनाम, फोर वाला क्या है पर्सनवाचक सर्वनाम, फोर वाला है पर्सनवाचक सर्वनाम, फोर वाला है पर्सनवाचक सर्वनाम। फाइव वाला है
संबंधवाचक सर्वनाम, भाई पाल है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। सिक्स वाला है निजवाचक सर्वनाम, सिक्स वाला क्या है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। देखो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, छह। कितने भेद होते हैं, छह। फर्स्ट वाला है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड वाला है निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड वाला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर वाला है पर्सनवाचक सर्वनाम, फाइव वाला है संबंधवाचक सर्वनाम, सिक्स वाला है निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में कहने वाला, सुनने वाला, अर्थात मतलब कोई अन्य जिसके विषय में कोई बात बात की जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चलता है, कन्फर्म पता चलता है अपन को, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का हमको पता नहीं चलता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर्सनवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पर्सन पूछने का, जिसमें सर्वनाम शब्दों से क्या होता है, पर्सन पूछने का पता चलता है। संबंधवाचक क्या कहते हैं, संबंधवाचक मतलब जो सर्वनाम शब्द वो जो जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। एक सर्वनाम शब्द किससे जुड़ जाता है, दूसरे सर्वनाम शब्दों से, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक क्या होता है, स्वयं अपने लिए, मतलब स्वयं स्वयं के लिए अपना कार्य करने के लिए किया कि किसका प्रयोग किया गया, निजवाचक सर्वनाम का। ओके रिपीट अगेन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, किन्हें कहते हैं सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल है मोहन अच्छा लड़का है, वह विद्यालय जाता है, वह क्या है सर्वनाम, वह क्या है सर्वनाम। अगर अपन बार बार मोहन का प्रयोग करेंगे तो क्या क्या होएगा कि संज्ञा शब्द बार बार रिपीट हो रही है ना, तो संज्ञा शब्द बार बार रिपीट नहीं होए इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का। तो वह क्या है सर्वनाम, तो एग्जाम्पल क्या हम नाम, मोहन अच्छा लड़का है वह विद्यालय जाता है। ओके फिर देखो सर्वनाम के कितने भेद है, सभी के नाम लिखिए, मतलब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सभी के नेम राइट करने हैं। ओके सर्वनाम के छह भेद है, सर्वनाम के कितने भेद है, छह भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ओके अगर आपके पास, आपको इसको फिर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। थैंक यू।